देश के कुछ पहलवान, बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं और वो चाहते हैं कि ब्रजभूषण की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जबकि ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि वो निर्दोष है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। इस दौरान ब्रजभूषण ने बार बार कहा है कि वो पूरे मामले में दोषी नहीं है। उन्होंने कहा है, मुझ पर कोई दाग नहीं लगा सकता क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ आपसे यश भाई कि मेरे इस चुनरी पर एक भी दाग कोई नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता है कि मैं दूसरे को नहीं जानता हूँ, अपने आप को जानता हूँ, अपने चरित्र को जानता हूँ, अपने कार्य व्यवहार को जानता हूँ। ब्रजभूषण सिंह कुश्ती संघ की राजनीति से अलग हो चुके हैं और साफ कर चुके हैं कि वो कुश्ती संघ का अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो ये बताने से भी नहीं चूकते कि कैसे उनके खिलाफ मुहिम चला रहे पहलवानों की मांगे लगातार बदलती जा रही हैं। देखिए, जब शुरू में ये रेसलर आए थे तो इनकी डिमांड थी कि अध्यक्ष पद से मुझे हटना चाहिए। शाम को इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया यौन उत्पीड़न का, और साथ ही साथ जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि आपके साथ हुआ तो इन्होंने इनकार कर दिया। पहले बताया कि 9-10 लोगों के साथ हुआ है, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ है। फिर इनकी संख्या 100 हो गई और 100 से 1000 तक चली गई। और जब खेल मंत्रालय ने जो समिति बनाई थी और एक ओलंपिक के नेतृत्व में, उस समिति में 17 लड़कियां पेश की गई थी, 17 लड़कियों को बुलाया गया था। उसमें कोई नाबालिग लड़की नहीं थी। और उसी समय मैंने एक कैसेट दिया था जो बजरंग पूनिया किसी लड़की से बात कर रहे थे कि कोई लड़की का इंतजाम कर दो, तो कैसेट मैंने दोनों जगह दे दिया था, आईओ में भी, आईओ की कमेटी में भी और खेल मंत्रालय के समिति के कमेटी में भी मैंने वो दे दिया था। अब देखिए, लेकिन ये दोबारा जब धरने पर बैठे तो उसमें कोई पास्को की लड़की नहीं थी, नाबालिग लड़की नहीं थी, लेकिन दोबारा जब धरने पर बैठे तो ये एक लड़की नाबालिग इंतजाम करके ले आए। और मुझे ये बात मालूम थी, मैंने पहले दोनों कमेटियों को बता दिया था कि ये प्रमाण है कि ये लड़की मेरे खिलाफ बोली जा रही है। ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि महीनों से चल रही इस जांच से सबसे बड़ा नुकसान भारत में कुश्ती और युवा पहलवानों को हुआ है। ब्रजभूषण सिंह का मानना है कि पहलवानों की लड़ाई कुश्ती संघ के खिलाफ नहीं बल्कि उसके अध्यक्ष के खिलाफ थी, इसलिए संघ के पूरे कैलेंडर को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था। उनके मुताबिक अब समाधान एक ही नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव हो, जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए। और बाकी जो बाहर टीम जानी है वो तो जो डाक कमेटी बनी है वो कर रही है, लेकिन इससे जो टूर्नामेंट होने थे वो रुक गए। अब टूर्नामेंट ना होने के कारण टीम तो चली जाएगी, लेकिन जो बच्चों को सर्टिफिकेट मिलते थे, स्टेट चैंपियनशिप के जिले का सर्टिफिकेट मिलता था, फिर स्टेट का सर्टिफिकेट मिलता था, फिर नेशनल का सर्टिफिकेट मिलता था, जो कहीं ना कहीं एडमिशन में, नौकरी में काम आता है, वो सारी चीजें रुक गई हैं।